दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच से पहले भारतीय टीम पर टूटा दुखों का पहाड़। दोस्तों भारत के नए किंग रिंकू सिंह का बेंगलुरु में अभी हार्ट अटैक से हुआ निधन। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेटरों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आखिरकार दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं क्या खबर की पूरी जानकारी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है, इस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके 2 शुरुआती मुकाबले भारत ने जीत कर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई हुई है। तो वहीं दोस्तों सीरीज का आखिरी और तीसरा T20 मैच कल भारतीय टाइम अनुसार शाम 7 बजे बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच में भारत जहां अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के लिए मैदान पर उतरेगा, तो वहीं अफगानिस्तान टीम अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी। लेकिन दोस्तों इस मैच से पहले भारतीय टीम पर टूटा दुखों का पहाड़। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर रिंकू सिंह के निधन की खबर तेजी से फैल रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यह खबर बिल्कुल अफवाह है और रिंकू सिंह बिल्कुल स्वस्थ है और कल होने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मैच में जरूर खेलते नजर आएंगे।